देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। मैं हूं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्टेज पर आ चुके हैं तो भरपूर अंदाज में तालियां बजाए दोस्तों। इम्तियाज जलील साहब डाइट पर आ चुके हैं, दोस्तों भरपूर तालियां बजाए इस इलाके के बेहतरीन कार्पोरेटर आले जनाब लई गाजी साहब का फूलों के जरिए नदीम बिडर के भाई फहीम जागीरदार साहब और उमर भाई इत्याजली साहब का फूलों के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उमर भाई का इस्तेमाल गाजी अमानुल्ला साहब का भी मोहतरम इत्याजली साहब के हाथों में फूल हार किया जा रहा है। उसके बाद मैं सदर आली विकार से गुजारिश कर रहा हूं कि आज के दस्ते मुबारक से रियासती सदर आली जनाब इम्तियाज जलील साहब का फूलों के जरिए इस्तेमाल एक फूल और एक शॉल के जरिए उनका इस्तेमाल हो रहा है। मैं एक मरतबा तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि भरपूर तालियां बजाएं। बेबाक वो निडर रहनुमा औरंगाबाद की सरजमीन ही नहीं बल्कि पूरे रियासत महाराष्ट्र में मुसलमानों के हक में बोलने वाली आवाज हमारे अपने दरमियान इम्तियाज जलील साहब। उसी के बाद मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी से और इम्तियाज जलील साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे सीनियर लीडर मोहतरम कलीम दिलावर साहब का फूलों के जरिए इस्तकबाल करें। उसी के बाद इम्तियाज जलील साहब के हाथों डॉक्टर खालिद परवेज साहब का फूलों के जरिए इस्तकबाल हो रहा है। उसी के बाद डॉक्टर खालिद परवेज साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक और हार उनके हाथ में दे दें और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माजिद हाजी साहब कारपोरेटर जो नाम लिखा हुआ है हो जाए आगे है। वही सभी गंटी करमसंग वाला साहब उनसे भी गुजारिश है कि वो भी यहाँ तशरीफ लेकर आए मोहतरम इम्तियाज जलील साहब के दस्ते मुबारक से उनका भी इस्तकबाल हो रहा है। वही हमारे सीनियर लीडर कलीम दिलावर साहब कार्पोरेटर कलीम दिलावर साहब उनकी जानिब से इम्तियाज जलील साहब को ये शॉल का नजराना फूलों का नजराना पेश किया जा रहा है। हमारे इसके बाद राजू गायक साहब की हैसियत से इस पत्र के अंदर इस लेटर के अंदर हमने खालिद साहब को ये पूरा इख्तियार दिए हैं कि नॉर्थ महाराष्ट्र के अंदर जहां कहीं बॉडी बनानी है आप बनाइए, किसको निकालना है आप निकालिए, किसको लेना है आप लीजिए। क्योंकि अगर सारे फैसले महाराष्ट्र का सदर अगर औरंगाबाद में बैठकर ले लेगा तो मैं नहीं समझता हूं कि मैं मालेगांव से इतनी अच्छी तरह से वाकिफ हूं या धुलिया से इतनी अच्छी तरह से हूं या नाक जलगांव से इतनी तरह अच्छी तरह से वाकिफ हूं जितना खालिद साहब। तो खालिद साहब ने महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से ये सारी जिम्मेदारी हम आपके हवाले सुपुर्द करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप पूरी ताकत देंगे और आप लोगों की मोहब्बत और चाहत है हम मुफ्ती साहब की रहनुमाई के अंदर हम पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये हाल है। इसलिए कि यहाँ पर कयादत जो है तोड़ी बाजों की है, अल्टर बाजों की है और ठेकेदारी करने वाले से रिश्वत लेने वालों की है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि खुदारा खुदारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे को मालेगांव के हर घर में हमें गाड़ दें। इसके लिए आप हमारा क्या साथ दे सकते हैं आपसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत बहुत मुबारकबाद। मुफ्ती साहब और डॉक्टर खालिद परवेज जैसे लोगों को सपोर्ट तो कर रहे हैं, आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इनको ही बदनाम किया जाता है कि ये लोग क्या किए, करने वालों को ही देश में बदनाम किया जाता है। ये तो वक्त तो बताएगा, जब देश का माहौल जब अपनी जगह पर काबू पा लेगा उस वक्त तो बताएंगी आवाम। और यहाँ की क्या, हमारे रियासत की आवाम बताएंगी कि हमारे पार्टी के लोग और मुफ्ती साहब जैसे लोगों ने कोरोना काल में क्या काम किए। ऐसा अंजाम कोई नहीं दे रहा है, जान की बाजी लगाकर हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भूख प्यास की जान की बाजी लगाकर लोगों के लिए राहत दे रहे हैं, वो काम हमारे लोग कर रहे हैं। आज हमारे दरमियान है ये लोग, आज बहुत कम इत्तेफाक पड़ता है हमारे शहर की आवाम का के साथ में मेंबर हो, पार्लियामेंट हो या हम मेंबर ऑफ असेंबली हो, देखने में नहीं आता हूँ, मगर आज देख लो ये लोग तुम्हारे हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि हमारी शान को बाकी रखे। शहर के अंदर मुखालफिन भी अपना काम बता रहे हैं, जगह जगह बैठकर हमारी बदनामी कर रहे हैं, मगर आपकी आंखों के सामने है, ये चुनिंदा लोग है, मगर लाखों की कानों तक लाखों लाखों आवाम तक ये जाना चाहिए।